दीपिका की मूवी छपाक देखने आएंगे? स्वागत करवाना। मैं तो हर पिक्चर को देखता हूँ और मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको मैं दांत देता हूँ कि उन्होंने सत्य का साथ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं, आसान नहीं है इस वातावरण में अपनी आवाज़, उनकी उपस्थिति स्वयं न एक शब्द न कहकर भी बहुत कुछ कह गई, और जो टिप्पणियाँ हुई हैं उसके बाद, मैं मानता हूँ कि ये हमारी देश की संस्कृति के साथ नहीं जुड़ी हुई है कि जिस तरीके से उन पर बौछार किया गया है, जितना हम उसकी निंदा करेंगे वो कम होगा। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो एक वीरता का एक उदाहरण दिया है और अपनी जो विषय मैंने उठाया है कि अपनी जो एक्सप्रेशन है उसे पूर्ण रूप से, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने वहाँ पूर्ण रूप से तैनात की। अब ये तो दीपिका का अपना डिसीजन है कि वो इंडियन आर्मी मुर्दाबाद कहने वालों के साथ खड़ी होती है या इंडियन आर्मी का सम्मान करने वाले देशवासियों के साथ खड़ी होती है। ये दीपिका का डिसीजन है कि वो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़ी होना चाहती हैं या फिर भारत के टुकड़े टुकड़े सोचने वालों को सबक सिखा देगी भारत की जनता, भारत की सेना, इस विचारधारा के साथ खड़े होना चाहती हैं। और दीपिका को ही कहने का अधिकार है। वैसे मेरा जो मन कहता है कि दीपिका को भ्रमित करके जो कल उसकी इमेज को डेंट लगाया है लेफ्ट के लोगों ने, दीपिका कन्हैया कुमार के साथ खड़ा होने के लिए मैं नहीं समझता उसको जानकारी हो तो हो पाती। हिंसा के खिलाफ खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ दीपिका क्यों खड़ी हुई ये दीपिका को बताना चाहिए, वरना इतने बड़े सुपरस्टार का इतना बड़ा धब्बा शायद वो भविष्य में बर्दाश्त न कर पाए।